वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके लेके आ गई हूँ कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन के रेडी होती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके घर में अवेलेबल होगा, बस उसके साथ ही हम लोग इसको बनाएंगे। तो मैंने आज दो तरह की कॉफ़ी बनाई है, एक तो मैंने थोड़ा सा हार्ड बनाया था और एक मैंने थोड़ा सा नॉर्मल बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया था एक बॉटल, और कोई सा भी बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल या किसी भी चीज़ का बॉटल। तो मैंने ये बॉटल ले लिया था और इसमें ऐड कर देंगे ना 2 से 4 चम्मच के करीबन कॉफ़ी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कॉफ़ी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच के करीब कॉफ़ी लिया है, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चीनी। पिसी हुई चीनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल चीनी का यूज़ किया है। तो 4 चम्मच कॉफ़ी में हम लोग यहाँ पे 4 से 5 चम्मच चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कम या ज़्यादा। और यहाँ पे ना 2-3 चम्मच के करीब पानी डाल लेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। और बस इसको कर लेंगे शेक। शेक तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी कॉफ़ी में कुछ चेंजेस ना आ जाए, मतलब इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का ना हो जाए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसको 3 से 4 मिनट तक शेक करूँगी। यहाँ पे इसका कलर तो चेंज हो गया था, तो इसको चेक कर लेते हैं। अभी भी ये उस स्टेज तक नहीं पहुँचा है जैसा मुझे चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए और शेक कर लेंगे। और अब ये एकदम रेडी हो गया है, तो बस यहाँ पे ले लेंगे ग्लास। ग्लास लेने के बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 आइस क्यूब। तो आइस क्यूब आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चिल्ड पीना है तो आइस क्यूब आप ज़्यादा डालेंगे, लेकिन और अगर कम पीना है तो कम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 आइस क्यूब का यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने इसमें चिल्ड दूध का यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है ये, फ्रीज़र में रखा था। और उसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे जो हम लोग ने शेक करके रखा था कॉफ़ी को उसको। तो अभी तो मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस कॉफ़ी को ऊपर से इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। और एक चीज़ आप ये भी देख रहे होंगे कि कॉफ़ी कितनी अच्छे से मिक्स हो गई है एक बॉटल की हेल्प से। आपको किसी भी मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, किसी भी ऐसी चीज़ की मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि आप अपनी कॉफ़ी को मिक्स कर पाएँ। तो बहुत ही ईजिली ये मिक्स हो गई है। और मैंने यहाँ ले लिया था डेरेमिक चॉकलेट, उसको मेल्ट करके इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको डालें ही। तो यहाँ पर मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट डाल दिया है, और उसके बाद से इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले चीनी डालेंगे, चीनी आप एकदम स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया, और चीनी डालने के बाद इसको हल्के ही हाथ से ना मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो देख सकते हैं हमारा बहुत ही चिल्ड कोल्ड कॉफ़ी बनके रेडी हो गया है। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान था ना इसको बनाना, बिना किसी झंझट के साथ सारी चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको मार्केट से लाना पड़े या कहीं ढूंढना पड़े। तो बहुत ही ईजिली हम लोग की कोल्ड कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं दूसरी कॉफ़ी। तो यहाँ पे दूसरी वाली कॉफ़ी बनाने के लिए, ये वाली कॉफ़ी जो है वो थोड़ी हार्ड है, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा शेक नहीं किया है, जो कॉफ़ी था उसको कम शेक किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कॉफ़ी के साथ ना थोड़ी सी डेरी मिल्क चॉकलेट भी शेक कर ली थी। तो बस यहाँ पे वही प्रोसेस है, ग्लास में डाल देंगे आइस। तो यहाँ पे मैंने 2 क्यूब आइस का डाला था, और उसके बाद एकदम ठंडा दूध डालेंगे और चीनी डाल देंगे। तो चीनी यहाँ पे 2 चम्मच डाल देंगे, और उसके बाद से यहाँ पे जो मैंने शेक करके रखा था उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शेक नहीं किया है, इसको हल्का शेक किया है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड भी बनाना था। और यहाँ पे मैंने इसको शेक करके डाल दिया है इसके अंदर, और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी सी हार्ड होती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। तो अब ऊपर से मैं थोड़ा सा ओरियो बिस्किट को तोड़ के डाल दूँगी, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और उसी कॉफ़ी को मैंने कप में थोड़ा सा और निकाल लिया था और के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली हम लोग ने दोनों कॉफ़ी बना ली है बहुत ही कम समय के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।